जय हिंद अग्निवीर फौजियों। तो चलो, समय हो चुका है हमारा इंडियन आर्मी का आज का क्लास करने का, अग्निवीर जीडी का, जीडी ट्रेडमैन का। तो आज देखो, शाम 7 बजे हमारा इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर करेंगे हम सभी, जो कि आपका होने जा रहा है अग्निवीर आर्मी जीडी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2023। 2023 का ओरिजिनल पेपर बनाएंगे अग्निवीर आर्मी जीडी का। देख लो, ऐसा पेपर आया था आर्मी जीडी का, 17 अप्रैल को आर्मी परीक्षा में बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा, कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, जल्दी से सभी लोग एक एक बार क्लास को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक। इसके साथ साथ सभी लोग लाइक बटन प्रेस करेंगे जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया, और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे। तो चलिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहेगा आप सभी के लिए, पूरा पूरा ओरिजिनल पेपर हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलो, जल्दी से एक एक बार सभी लोग शेयर कर देना, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचा देना, आपके जितने भी दोस्त हैं। और सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में जो है, देखो, आपको इस क्लास का PDF दे दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए, क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर बनाएंगे आपका इंडियन आर्मी का अग्निवीर जीडी का। तो चलिए, शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यह देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सी जवाब सबके देते चलेंगे और करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको दिया गया है कि टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, अगला में देखो आपका 6 वर्ष, अगला है यहाँ पे दिया हुआ है देखो डी में नन ऑफ दी। जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी सबकी का जवाब आना चाहिए। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है देखो 6 वर्षों का, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु याद रखना है, यह देखो होना चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। और 5 वर्ष किसका है? तो 5 वर्ष है देखो आपका लोकसभा का, और जो लोकसभा है इसमें बनने के लिए कितना आयु चाहिए? तो इसमें देखो बनने के लिए चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। जो राज्यसभा है इसको याद रखिएगा, राज्यसभा को जो है देखो उच्च सदन, अपर हाउस बोलते हैं, और जो लोकसभा है इसको सबको याद रखेंगे, जो लोकसभा है यह देखो निचली सदन, यह जो है निच सदन कहलाती है, ठीक है। निचली सदन के नाम से जो है देखो इसको जानते हैं, निच सदन के नाम से जो इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया। 2 नंबर सवाल देखो दिया हुआ है यहां पर, यह क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? चांद बीबी, सुल्तान रजिया, बेगम हजरत महल, डी में है देखो नूरजहां। क्या होगा सही जवाब? दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका क्या थी? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, कोई भी गलती नहीं करेंगे, किसी का भी जो है देखो गलती नहीं होना चाहिए। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी देखो सुल्तान रजिया। मैंने पढ़ाया था ना बी कौन कौन किए हो, मैंने भारत की प्रथम महिला में ये वाला करवा दिया था, सुल्तान रजिया होती है। बी किसका किसका जवाब आया? बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो, अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका, क्या सवाल देखो मिला हुआ है। अगला सवाल जो है यहाँ पे है कि द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज कॉल्ड द, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? इंदिरा गांधी नहर, ऊपरी भारी दुआब नहर, यमुना नहर, अगला में देखो सरहिंद नहर। भारत में सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है, इस सवाल का सबसे सही जवाब क्या होगा? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका, किसी का भी जो है गलती नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही जो है सब लोग करेंगे और बताएंगे कि भारत में जो है देखो सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। मैंने सबको पढ़ाया हुआ है, मैंने जो है देखो सभी को पढ़ा दिया है। क्या होगा सही जवाब? तो भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इसका जो सही आंसर क्या होगा, यह देखो होगा आपका ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ये वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है कि कंबाला एक पारंपरिक भैंसा दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, या फिर कर्नाटक में? क्या होगा सही जवाब? कंबाला जो कि एक देखो पारंपरिक भैंसा दौड़ है, इसका आयोजन जो है कहाँ पे होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी सबके जवाब देंगे और बताएंगे। तो कंबाला जो कि देखो पारंपरिक भैंसा देखो होता है कर्नाटक में, ठीक है, डी वालों का सही होगा। और जो तमिलनाडु है यहाँ पे देखो होता है जलीकट्टू, ठीक है, जलीकट्टू होता है, सबको याद रख लो। अगर कंबाला बोलेगा तो कर्नाटक, अगर जलीकट्टू बोलेगा तो तमिलनाडु। देख सकते हो, मैंने बोला था कि पूछा जाता है, ये पूछा हुआ सवाल है, देख सकते हो आया भी है। चलो, अगला सवाल देखो मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, 5 नंबर सवाल है। यह देखो क्या दिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकेदमी कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, ऊटी में है, मसूरी में है, या फिर शिमला में है? जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी है यह कहाँ पर स्थित है? जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी है यह देखो कहाँ पर, किस शहर में जो है स्थित है? तो जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी है जिसको देखो लबासना बोलते हैं, यह देखो आपका मसूरी में है। इसको क्या बोला जाता है? इसको जो है देखो लबासना के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, ये आपको दिया हुआ है और याद रखना, यहीं पर जो है देखो आपका IAS का ट्रेनिंग होता है, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा का। पूछा जाएगा कि भारतीय सिविल सेवा का कहाँ ट्रेनिंग होता है? तो मसूरी में, लबासना में।
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी में। ठीक है, अगला सवाल देखो कि खासी एंड गारो ट्राइब मिनली लिव इन, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से रहते हैं नागालैंड में, मेघालय में, मणिपुर में या फिर मिजोरम में। ये वाला सवाल भी मैंने सबको करवाया है, यहाँ तक कि जो मैराथन क्लास लिया था उसी में मैंने ये वाला सबको करवा दिया था। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है, खासी और गारो जनजाति जो है यह देखो कहाँ पर निवास करती है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर जो है सबका आना चाहिए। तो जो खासी और गारो जनजाति है यह देखो निवास करती है मेघालय राज्य में। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कितना कितना लोग बी किए हैं, बी किसका किसका आया है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों ने यहाँ पर बी को जवाब किया बहुत शानदार, बिल्कुल सही आंसर आया है। चलो अगला सवाल देखो मिला हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर। प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट डिग्री मेरिडियन, भूमध्य रेखा डिग्री मध्यान पर स्थित है, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री। जो भूमध्य रेखा है ये कितने डिग्री मध्यान पर स्थित है, जो भूमध्य रेखा है यह देखो कितने डिग्री मध्यान पर है, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे। जो भूमध्य रेखा है ये कितने डिग्री मध्यान पर है, तो जो भूमध्य रेखा है यह देखो आपका 0 डिग्री मध्यान पर है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग यहाँ पे सी को किए बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है जादूगोड़ा, वासी, मालवार कुरेची या फिर गौरा बिदिनूर। मैंने पढ़ा दिया है, ये सवाल मैंने करवाया हुआ है, जल्दी सबके करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में जो है देखो सर्व महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पर स्थित है, तो भारत में जो महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है यह देखो जादूगोड़ा में स्थित है। ये वालों का जवाब सही होगा। अब पूछेगा कि जादूगोड़ा किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में है। झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, रांची है। रांची को क्या कहते हैं, तो रांची को याद रखिएगा, रांची को जो है देखो झारखंड का शिमला बोलते हैं। ठीक है, सबको याद रखेंगे, रांची को जो देखो झारखंड का शिमला कहा जाता है, सब लोग को जो है क्लियर रखना है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है 9 नंबर की द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड इन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ, कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत या फिर दिल्ली। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सभी का जवाब आना चाहिए। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये कहां पे हुआ है, इसका सही आंसर क्या है, तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है यह देखो बॉम्बे में हुआ है। ठीक है, क्या हो गया सही जवाब, तो ऑप्शन बी हो गया। कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो यह देखो यह 1885 में, अगर आपसे स्थापना पूछेगा तो 1885 में, और प्रथम अधिवेशन भी जो है यह देखो 1885 में ही हुआ है, सब लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे देखो पूछा जाता है, यहाँ पे सबको नोट करते चलेंगे जो भी नोट करवा रहा हूँ, आपसे देखो पूछा जाता है कि स्थापना किसने किया, तो स्थापना देखो किया है AO Hume ने। ठीक है, सबको याद रखेंगे। इसके साथ साथ आपसे देखो इंडियन आर्मी हमेशा पूछती है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं ये हैं देखो WC Banerjee। ठीक है, सबको इसको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ देखो आपसे इंडियन आर्मी क्या पूछती है, आपसे जो इंडियन आर्मी के पूछा जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा देखो कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये आया हुआ सवाल है, पूछा जाएगा आपसे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुई, तो जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी याद रखिएगा ये है देखिए एनी बेसेंट। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो यह देखो एनी बेसेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपसे यही यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, यही अगर मानो आपसे यहाँ पे इंडियन आर्मी पूछ देगी कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, अगर केवल महिला लिखेगा तो महिला में देखो एनी बेसेंट, और अगर प्रथम भारतीय महिला बोलेगा तब क्या करेंगे, तो याद रखनी है तब देखो हम लोग करेंगे सरोजनी नायडू। ठीक है, जो सरोजनी नायडू है इनमें कुछ और चीजें आपको याद रखनी होंगी, याद रखिएगा यह जो है देखो प्रथम राज्यपाल बनी थी। ठीक है, सरोजनी नायडू कौन है, तो ये जो है प्रथम राज्यपाल बनी, किस राज्य की बनी थी, तो यूपी राज्य की बनी थी। ठीक है, सबको याद रखेंगे। और जो सरोजनी नायडू है इनको देखो भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो सरोजनी नायडू है इनको देखो भारत कोकिला भी कहा जाता है। इतना इतना चीज जो है सबको इनको याद होना चाहिए। अगला सवाल है देखो 10 नंबर के, निम्न में से धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ, थारू, गड्डी, अबोर या फिर लेपचा। मैंने सबको बोला हुआ है कि इंडियन आर्मी में देखो जनजाति वाला टॉपिक जरूर पूछेगा, जितने भी लोग जा रहे हो जनजाति वाला टॉपिक कवर करके जाना, जनजाति वाला जो टॉपिक है उसको रट के जाना। क्या होगा सही जवाब, धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति कौन सी है, तो यह देखो गड्डी है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोगों का जवाब ऑप्शन बी को गया बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बी कर रहे हो बहुत बहुत बढ़िया, सबका बी आ रहा है, बहुत अच्छा। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है देखो कि निम्न में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे, अवंती, मगध, कोसल या फिर गंधार। निम्न में से वह कौन सा राज्य है जो कि देखो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, कोई भी गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल सही जो है सब लोग कीजिएगा और बताइएगा। निम्न में से कौन सा राज्य है जो कि देखो बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है,
तो वो राज्य है देखो आपका कोसल, ठीक है। कोसल में जो है देखो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, कोसल में जो उन्होंने अपना उपदेश दिया है, ठीक है। अगर आपसे इंडियन आर्मी पूछेगी कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया, मानो पूछा जा सकता है, और आएगा भी क्योंकि पहले आया हुआ है, तो जो प्रथम उपदेश है देखो गौतम बुद्ध जी के द्वारा, यह देखो दिया गया है आपका कहाँ पे, तो यह देखो दिया है सारनाथ में, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे देखो इंडियन आर्मी पूछती है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो जो गौतम बुद्ध है इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है यह देखो हुई है बोध गया में, ठीक है। सबको याद रखेंगे कहाँ पे हुआ है, बोध गया में हुआ है। इसके साथ साथ आपसे देखो हमेशा इंडियन आर्मी पूछती है कि महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुई, मतलब इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, तो ये याद रखना है यह देखो हुआ है कुशीनगर में, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग कहाँ पे हुआ है, कुशीनगर में हुआ, ठीक है। इस पर अच्छे से लिख लेते हैं, देखो कहाँ पे हुआ है, तो कुशीनगर में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 12 नंबर सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है आपका, सवाल है कि द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है, भरी हुई हवा, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, या फिर शुद्ध आर्द्रता। जब देखो आर्द्रता को पूरे तौर पर कोई भी हवा ग्रहण कर लेती है, कोई भी वायु ग्रहण कर लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आद्रता को पूरे तौर पर जिसमें ग्रहण कर लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको देखो कहते हैं सैचुरेटेड एयर, ठीक है। इसको जो है देखो भरी हुई हवा बोलते हैं। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, जितना भी लोग ए किए हैं बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, यह देखो दिया हुआ है कि 1853 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, डी में देखो गौतम बुद्ध। जो 1853 में शिकागो में विश्व धार्मिक सभा हुआ था, याद रखना यह 53 नहीं, यहाँ पे 93 होगा, ठीक है, याद रखना है। इंग्लिश में देखो सही है, हिंदी वाला में 53 लिख दिया, यहाँ पे 93 होगा। तो विश्व धार्मिक सभा में शिकागो में जो हुई वहां पर देखो किसको जो है प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया, वह कौन थे, तो वो थे देखिए स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। बी वालों का जवाब सही होगा। अच्छा याद रखना कि विश्व धार्मिक सभा में कब स्वामी विवेकानंद भाग लिए हैं, याद रखिएगा, यह देखिए लिए हैं 1893 में, ठीक है। कहां पे लिए हैं, तो शिकागो में भाग लिए थे, ये पूछा जाएगा, सबके को ध्यान में होना चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें भी सबको याद रखनी है। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, 14 नंबर की, हेडक्वार्टर ऑफ विच बैंक आर लोकेटेड इन मणिपाल कर्नाटका, किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल, यहाँ पे मणिपाल लिखा हुआ है, मणिपाल और कर्नाटक में, सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कैनरा बैंक, या फिर विजया बैंक, वह कौन सा बैंक है जिसका मुख्यालय जो है देखो मणिपुर कर्नाटका में स्थित है, मणिपुर कर्नाटका में किस बैंक का मुख्यालय है, तो यह देखो स्थित है सिंडिकेट बैंक का, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि मीना बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन, मीना बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है, या फिर हैदराबाद में है, क्या होगा सही जवाब, 15 नंबर सवाल है, बिल्कुल सही जो है सबके का जवाब आना चाहिए। जो मीना बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह कहाँ पे स्थित है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो यह देखो स्थित है चेन्नई में। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, जितना भी लोग यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक किए हैं बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत अच्छा, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो सेक्शन बी यहाँ पे देखो आपको दिया गया है, सेक्शन बी है आपका, सेक्शन बी में क्या है देखो, ये दिया गया जनरल साइंस, क्वेश्चन नंबर 16-30, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16-30 तक, क्या है देखो कि मुंह के पीएच का मान से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, जो मुंह का पीएच मान है या कितना से कम होता है तब जाकर जो है देखो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है ना, तब जो है देखो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस है, क्या होगा सही जवाब, इनमें से कोई नहीं, 1085 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1038 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा सही जवाब, तांबे का गलनांक कितना होता है, जो तांबा है, जो कॉपर है, इसका गलनांक, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कितना है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी सबको जवाब देंगे और बताएंगे। तो तांबे का जो गलनांक है यह देखो आपका कितना होता है, तो यह देखो होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर 18 नंबर कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ केन शुगर इज, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है, मैंने सबको पढ़ाया हुआ है, जल्दी से करेंगे और बताएंगे। गन्ना चीनी का जो है देखो आणविक सूत्र क्या होता है, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र कौन सा है, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है, तो गन्ना चीनी का जो आणविक सूत्र है यह देखो होता है C12H22O11, कितना होता है, तो यह देखो होता है C12H22O11, यह जो है देखो गन्ना चीनी का रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा सही जवाब होगा देखो ऑप्शन सी, ठीक है। चलो 19 नंबर सवाल देखो दिया हुआ है, क्या सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, निम्न में से पहला गणन यंत्र कौन सा है, ट्यूरिंग मशीन, पास्कलिन, अबेकस,
डी में है देखो गणना करने का यंत्र। निम्न में से वह कौन सा यंत्र है जो कि देखो आपका यहाँ पे पहला गणन यंत्र है। पहला गणन यंत्र के रूप में किसको जानते हैं? अच्छा याद रखना, जो देखो आपका C6 H12 और O6 है ना, यह किसका सूत्र है? तो याद रखिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार आया है। यह जो है देखो ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है, सबको ही ध्यान में रखेंगे। निम्न में से पहला गणन यंत्र कौन सा है? तो यह देखो अबेकस है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या हो गया सही जवाब? तो ऑप्शन सी हो गया। चलो 20 नंबर सवाल देखेंगे। यह देखो दिया हुआ है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरोडायनामिक्स? आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? इनमें से कोई नहीं, यह जनन अंगों का विज्ञान है, यह हवा या गैस में होने वाली प्रवाह या हलचल का विज्ञान है, या फिर यह शरीर के दर्द से अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। क्या होगा सही जवाब? आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? जो वायु गति शास्त्र है यह किससे संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, कोई भी गलती नहीं करेंगे। जिस प्रकार से अभी तक सही करते चले हो ना, वैसे ही सब लोग सही करते चलना। तो यह जो है देखो आपका, यह हवा या गैसों में होने वाली प्रवाह या हलचल का विज्ञान है, ठीक है। यह सी वालों का बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। 21 नंबर सवाल है देखो, द रिवॉल्वर वॉज इन्वेंटेड बाई, रिवॉल्वर का आविष्कार द्वारा किया गया था जॉन ब्राउनिंग, थियोडोर बर्गमैन, सैमुअल कोल्ट। डी में देखो दिया हुआ है हेनरी डिग्री। क्या होगा सही जवाब? रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? वह कौन है जिसके द्वारा देखो रिवॉल्वर का आविष्कार हुआ है, किसने किया है? तो यह देखो किया है सैमुअल कोल्ट ने। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल है, देखिए कि हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ, हर्ट्ज की इकाई है दाब की, इनमें से कोई नहीं, आवृत्ति की, डी में देखो आपका अपवर्तन की संख्या की। जो हर्ट्ज है यह किसका इकाई है? जो हर्ट्ज है यह देखो किसका यूनिट होता है? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही, सब लोग करेंगे और बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जो हर्ट्ज है यह देखो किसका यूनिट है? जो हर्ट्ज है यह देखो किसकी इकाई है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? चलिए जल्दी से जवाब आना चाहिए सबका, कोई भी देरी नहीं करेंगे, ना ही जो है देखो कोई गलती करेंगे। क्या होगा सही जवाब? तो हर्ट्ज किसका इकाई है? तो जो हर्ट्ज है यह देखो इकाई है आवृत्ति का। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, हर्ट्ज किसका यूनिट है, हर्ट्ज किसका इकाई है? तो यह देखो आवृत्ति का इकाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर सवाल देखो दिया हुआ है कि निम्न में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? जेपी एकर्ट, चार्ल्स बेबेज, जॉन मेकार्थी। ऑप्शन नंबर डी में देखो ली दी फॉरेस्ट। क्या होगा सही जवाब? निम्न में से वह कौन है जिनको देखो कृत्रिम बुद्धि का जनक बोलते हैं? निम्न में से जो है देखो कृत्रिम बुद्धि का जनक कौन कहलाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से जवाब आना चाहिए सबका, कृत्रिम बुद्धि का जनक किसको कहते हैं? तो कृत्रिम बुद्धि का जो जनक है यह देखो कहा जाता है आपका किसको? तो यह जो है देखो कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, जितना भी लोग का जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी है, बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। कृत्रिम बुद्धि का जनक किसको कहते हैं? तो यह देखो कहते हैं जॉन मैकार्थी को, बहुत अच्छा, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा जो चार्ल्स बेबेज है ये कौन है? तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज को जो है देखो कंप्यूटर का पितामह बोलते हैं, ठीक है, या फिर कंप्यूटर का खोज किसने किया? तो कंप्यूटर का जो खोज है यह देखो चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि कोरोनाग्राफ इज यूज्ड फॉर, कोरोनाग्राफ का प्रयोग के लिए किया जाता है रक्तचाप के अध्ययन के लिए, सूर्य के कोरोना का अवकलन करना और तस्वीरें खींचने के लिए, धमनियों के अध्ययन के लिए, या फिर नसों का अध्ययन के लिए। जो कोरोनाग्राफ है, कोरोनाग्राफ का प्रयोग देखो किसके लिए करते हैं? जो कोरोनाग्राफ है, कोरोनाग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, गलती नहीं करोगे, बिल्कुल सही सबका जवाब अभी तक आया है, बहुत अच्छा, सब कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो, ऐसे ही बनाए रखे तो इंडियन आर्मी का पेपर में 50 में से 50 लगा के आ जाओगे, पेपर को फोड़ दोगे आप लोग, बहुत बढ़िया जा रहा है, ऐसे ही सबको करते रहना है। कोरोनाग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कोरोनाग्राफ का जो प्रयोग है यह देखो सूर्य के कोरोना का अवकलन करना, या फिर जो देखो तस्वीरें खींचने के लिए करते हैं, ठीक है। चलो 25 नंबर सवाल है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फ्यूल, प्राथमिक ईंधन कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, चारकोल, कोयला, डी में देखो पेट्रोलियम। इनमें से क्या है जो कि प्राथमिक ईंधन कहलाता है? प्राथमिक ईंधन के नाम से जो है किसको जाना जाता है? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही जवाब सबको करेंगे और बताएंगे। निम्न में से जो है देखो प्राथमिक ईंधन किसको बोलते हैं? प्राथमिक ईंधन जो है किसको कहा जाता है? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, गलती कोई भी नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल सही आंसर सबका आना चाहिए। यहाँ पे प्राथमिक ईंधन कौन सा है? तो प्राथमिक ईंधन जो है यह देखो कोयला है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो 26 नंबर सवाल है देखो कि बोटनी इज द स्टडी ऑफ, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है पक्षियों के जीवन का, मानव जीवन का, जानवरों के जीवन का, या फिर पौधों के जीवन का। जो वनस्पति विज्ञान है या किसका विज्ञान है? वनस्पति विज्ञान में जो है देखो किसका अध्ययन किया जाता है? जो वनस्पति विज्ञान है इसमें किसका स्टडी करते हैं?
जो वनस्पति विज्ञान है, किसका अध्ययन है? तो यह देखो पौधों के जीवन का अध्ययन है। बहुत बढ़िया, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए आपको दिया गया है, 27 नंबर जो क्वेश्चन है यह देखो यहाँ पे आपको मिला हुआ है। 27 नंबर सवाल क्या है आपका? 27 नंबर सवाल देखो आपको दिया गया है, यह क्वेश्चन आपको मिला हुआ है यहाँ पे कि विच एमोंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? सफेद रक्त कोशिका, इनमें से कोई नहीं, मोनोसाइट्स, डी में देखो रक्त बिंबाणु। इनमें से क्या है जो कि देखो रक्त संचार में सहायक है, इनमें से क्या है जो कि देखो ब्लड ट्रांसमिशन का काम करता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही, सब लोग जवाब दीजिएगा और बताइएगा इनमें से क्या है जो कि देखो आपका रक्त संचार में, जो कि देखो आपका ब्लड का सर्कुलेशन में जो है मदद करता है। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। तो इनमें से वह जो कि ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है यह है देखो आपका सफेद रक्त कोशिका। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल है, देखिए कि विच इज द करेक्ट यूनिट फॉर मेजिकल टेरेस्ट्रियल डिस्टेंस, टेरेस्ट्रियल दूरी को मापने की सही इकाई है, सेंटीमीटर, प्रकाश वर्ष, मीटर, या फिर अगला में देखो किलोमीटर। सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जवाब जो है सबको का आना चाहिए, बिल्कुल सही, सब लोग यहाँ पे करोगे बताओगे इस सवाल का सही आंसर क्या है, जल्दी से है। तो टेरेस्ट्रियल दूरी को जो है देखो मापा जाता है प्रकाश वर्ष में, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। पूछेगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो याद रखना प्रकाश वर्ष देखो दूरी का इकाई है, बहुत बार पूछा है इंडियन आर्मी में जो है देखो बहुत बार आया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपको, 29 नंबर सवाल है, क्या मिला हुआ है कि हेट आई एल्टीट्यूड नोज ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यू टू, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? इनमें से कोई नहीं, उच्च वायुमंडलीय दबाव, अत्यधिक सर्दी, डी में है देखो आपका निम्न वायुमंडलीय दबाव। इनमें से क्या है जिसके कारण जो है देखो अधिक ऊंचाई पर जो है नाकों से खून बहने लगता है? इनमें से क्या है जिसकी वजह से जो है देखो अधिक ऊंचाई पर जाने से जो है नाकों से खून आ जाता है? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही, सब लोग कीजिएगा और बताइएगा, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही सब लोग जवाब करेंगे और यहाँ पर बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में नाक से खून बहने का जो कारण है यह है देखो निम्न वायुमंडलीय दबाव। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर सवाल है, देखो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस ऑकर्स मैक्सिमम इन, प्रकाश संश्लेषण में अधिक होता है, सफेद रोशनी, लाल रोशनी, नीला रोशनी, या फिर हरा रोशनी? जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें देखो आपका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है निम्न में से किसमें सबसे अधिक होता है? जो प्रकाश संश्लेषण है या किसमें है जो कि सबसे ज्यादा होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर करने की कोशिश करेंगे, गलती नहीं बताना है, बिल्कुल सही सब को करना और यहां पे बताना है। देखते हैं किसका किसका सही होगा, कौन कौन है जो कि सही जाते हो, किसका किसका जवाब जो है सही होगा, यही देखना है। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण किसमें अधिक होता है? तो यह देखो होता है लाल रोशनी में। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल जो है यह देखो दिया हुआ है यहाँ पे, सेक्शन सी से आपका देखो मैथ शुरू होगा, ठीक है, सेक्शन सी से आपका मैथ शुरू हो जाएगा। सेक्शन सी है देखो मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 31 to 45, गणित प्रश्न क्रमांक 31 से 45 तक। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब सबका आना चाहिए, क्या होगा सही आंसर? मैथमेटिक्स है, ठीक है। चलो बनाएंगे सब लोग जल्दी से, क्या देखो दिया हुआ है, 1589 मिलीग्राम को जो है किसमें बदलना है, तो ग्राम में बदलना है। इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो देखो 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम में जो है देखो आपका टोटल 1000 मिलीग्राम होता है, इस वजह से, ठीक है। तो जब 1000 से भाग दोगे तो ये होता है देखो 1.589, ठीक है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत शानदार, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। मैथ में डी जितना भी लोग किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, बिल्कुल सही जो है सब लोग बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। किसका इसका डी आया, बहुत बढ़िया, लगभग का डी है, बिल्कुल सही किए हो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है यहाँ पे, देखो क्या दिया हुआ है कि अ पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स, एक बहुभुज के 44 विकर्ण है, इसके भुजाओं की संख्या जो है देखो आपको यहां पर बतानी है कि इसके भुजाओं की संख्या कितनी है। तो कैसे निकालते हैं, तो देखो यहां पर जो है आपको विकर्ण, ठीक है, विकर्ण बराबर एक फॉर्मूला होता है, विकर्ण बराबर देखो फॉर्मूला होता है आपका एन इंटू, ठीक है, नोट कर लीजिएगा सब कोई, एन इंटू एन माइनस 3 और बाई में होता है देखो आपका 2, ठीक है। अब एन से एन में गुना कर देंगे तो कितना आ गया, ये देखो हो गया एन स्क्वायर माइनस में एन से 3 में गए तो 3n बटा में 2 आ गया, ठीक है। यहां तक जो है सबको याद चुके हैं, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, हमको कोई ऐसा संख्या यहाँ एन की जगह पे रखना होगा जिससे जो है देखो ये 44 आ जाए,
तो सबसे पहले 11 है तो क्या करेंगे, 11 को ही रख लेंगे, तो मानो एन की जगह पे 11 लगे, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, ये देखो 121 हो गया, माइनस में 3 इंटू एन, एन की जगह फिर से 11 लगे तो 3 गुना में एन है, तो मतलब कि 3 गुना 11 हो गया, तो 3 गुना 11 करोगे तो कितना आएगा, तो 33 हो गया, नीचे हो गया देखो आपका बटे में 2। ठीक है, यहां तक जो है सबको आ चुके होंगे। अब चलिए जल्दी इसको करेंगे, 121 में से क्या करो, 121 में जो है पहले 3 को घटाओ तो बचेगा 8, 11 में से 3 गया तो बचा 8 बचा, यहां फिर से 11 में से 3 गया तो 8 बचा, बटा में 2 हो गया, कट करोगे तो कितना आएगा, तो देखो 44 आएगा, किसका किसका आया, तो देखो 44 आ गया ना, 44 विकर्ण हमारा मैच कर गया, तो इस प्रकार जो सही जवाब है यह देखो ऑप्शन ए होगा, उसका टोटल कितना साइड है, तो उसका देखो टोटल 11 साइड है। ठीक है, आ गया 11 सबका, बहुत बढ़िया, 11 लाने वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनमें उनके वर्ग का अंतर जो है यहां पर कितना लिखा हुआ है, ये देखो 28 लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे 28 लिखा हुआ है, 28 है तो उसका योग जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पे, मानो मानो संख्या बराबर में x। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो है देखो यहाँ पे मान लिया इनका संख्या x। ठीक है, यहाँ तक अब हमको क्या बोला है, तो अब देखो हम लोग जो है यहाँ पे क्या बोला, देखो बोला उन संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई मानो घटाना है, x माइनस वाई बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला उनके वर्गों का अंतर कितना है, तो उनके वर्गों का अंतर जो है 28 है, मतलब कि एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर, इनके वर्ग का अंतर कितना हो गया, 28 हो गया, तो ये देखो है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू देखो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, और इंटू में हो गया, इंटू में हो गया देखो आपका एक्स माइनस वाई बराबर में कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, अब एक्स माइनस वाई की जगह पे कितना रखेंगे, देखो 2 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 हमको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया देखो आपका एक्स प्लस वाई गुना में 2 बराबर में 28। अब क्या हो गया, तो ये हो गया देखो x प्लस वाई 2 से 28 कट होगा देखो 14 बार में, तो क्या हो गया 14 आ गया। हमसे क्या पूछा था, हमसे बोला था उनका योग, तो देखो उनका योग यहाँ पे निकल गया ना, इनका जोड़ ही निकालना था x प्लस वाई, उनका योग कितना हो गया 14 हो गया। क्या हो गया सही जवाब, तो ऑप्शन ए हो गया। जितना भी लोग का जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए आया है, बहुत अच्छा किया हो, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे, अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला है, क्या सवाल है आपका कि यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी संभावना क्या है। बहुत इजी सा सवाल है, आप सब बना चुके हैं पहले भी, यदि कोई घटना घटित ही नहीं होगी तो उसके घटने का संभावना क्या होगा, उसको होने का संभावना क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही सब लोग जवाब देंगे और बताएंगे। जितना भी लोगों ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया, किसका इंतजार कर रहे हो, इतने क्लास अटेंड कर रहे हो, सब लोग जल्दी से लाइक कर दो, सभी लोग जो है लाइक बटन जल्दी से प्रेस करो, सभी लोग शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक, जिन्होंने भी अभी तक भी शेयर नहीं किया है जल्दी से अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए। इसके साथ साथ जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे। देखो क्या बोला है कि यदि कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती है, तो यदि कोई घटना घटित ही नहीं होगी तो उसकी संभावना क्या है, उसकी संभावना देखो 0 हो गई। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, क्या हो गया आंसर, तो ए 0 हो गया। ठीक है, चलो 35 नंबर सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, क्या सवाल है आपका, इसको देखो क्या लिखा हुआ है, तो 31 लिखा है, फिर देखो 7 लिखा है, फिर देखो 25 लिखा है, फिर देखो 13 लिखा है, फिर 19 है, वापस 19 है, और यहाँ पे 13। ठीक है, यहाँ पे बताना है क्या होगा, यहाँ पर जो आपको जवाब देना है कि यहाँ पर क्या आएगा। चलिए तो देखिए इसमें 2 का श्रृंखला चल रहा है। ठीक है, 31 में से 6 घटाए तो 25 आएगा, 25 में से 6 घटाए तो 19 आएगा, 19 में से 6 घटाए तो 13 आएगा। अब देखो 7 में 6 जोड़ा तो 13 हुआ, 13 में 6 जोड़ा तो 19 हुआ, अब वही करो 19 में भी 6 जोड़ दो, तो जब 19 में अगला में क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे, तो 19 में 6 जोड़े तो कितना हो गया, तो यह देखो 25 हो गया। क्या हो गया सही जवाब, तो ऑप्शन बी आएगा 25। किसका किसका जवाब बी है, कौन कौन है जो कि 25 को किए हो, 25 वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना का भी जवाब यहाँ पे देखो ऑप्शन बी को गया है, 25 को गया है, बहुत शानदार, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, 12वीं पारी के बाद जो है देखो उसका औसत क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब जो है सबको आना चाहिए, गलती नहीं करेंगे कोई भी, बिल्कुल सही जो है सब लोग यहाँ पर बताने की कोशिश करोगे, बताओगे कि देखो कोई बल्लेबाज है, मानो वो 12 पारी में 63 रन बनाया है जिसके कारण उसका 2 रन बढ़ चुका है, तो 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा। चलिए निकाल लेंगे, तो माने टोटल उसका औसत कितना है, वो 12वां पारी में कितना रन बनाया है, 63 रन बनाया है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे वो 63 रन बनाया है, अब जिसके कारण उसका देखो 2 रन औसत बढ़ रहा है, तो अगर 63 रन बढ़ाया तब जाके जो है देखो उसका 2 औसत बढ़ रहा है, अगर 63 नहीं बढ़ा रन मारता तब जाके उसका जो है देखो 2 औसत नहीं बढ़ता, तो फिर इस प्रकार जो है यहाँ पर मानो कि 2 घटा देंगे तो एक पहले देखेंगे, अगर मानो हम लोग देखेंगे एक पारी का पहले, तो एक पारी का पहले मानो उसका औसत कम होगा 2, तो इस प्रकार वो हो गया देखो 2 गुने 11 पारी को हमने कर लिया, 2 गुने 11 हो गया। अब हो गया देखो यहाँ पे 63 माइनस 22, ठीक है, 63 माइनस 22 करोगे तो कितना आएगा, बिल्कुल सही जवाब जो है सबकी आना चाहिए, 63 माइनस 22 कीजिए,
तीन में से दो गया, एक बचा, छह में से दो गया, चार बचा, 41। किसका किसका जवाब है? 41। कौन कौन सी को किए हैं? सी किसका किसका जवाब आया है? सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 41 करने वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो, आपको दिया गया है कि फाइंड 30% ऑफ 1500 प्लस में 600, ज्ञात करो 30% ऑफ 1500 प्लस में 600। ठीक है, क्या बोला है देखो यहां पे, इधर कर लेंगे हमको। देखो बोला है 15 प्लस 600 का मतलब गुना हो गया 30%, मतलब कि 30 बटे में 100। ठीक है, ये देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इधर पर इनको जोड़ लो यहाँ पे देखो, तो ये हो गया मानो देखो कितना, तो 2100 हो गए। ठीक है, तो फिर ये देखो एक जीरो से एक जीरो और कट गया, अब 210 गुना 3 कर दो, आपको जो आपका जवाब मिल जाएगा कितना हो गया, तो ये देखो हो गया आपका 210 गुने में 3, 210 गुना 3 कीजिएगा तो यह कितना आता है, तो यह देखिए 630 आता है। डी किसका किसका जवाब है? कौन कौन है जो कि डी को किए हैं? डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अब यहां पे देखो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपको क्या मिली हुई है, 38 नंबर सवाल है देखो, कि एक बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे में 9 किलोमीटर की यात्रा करने में 2 घंटा समय लेती है। ठीक है, और प्रवाह की दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे समय लेती है। ठीक है, यह चीज आपको यहां पे दे दिया गया है। अब क्या बोला है, बोट की चाल प्रवाह की ओर विपरीत क्या होगी, यह जो है यहां पे आपको बताना है। बोट की चाल जो है प्रवाह की ओर बतानी है और विपरीत बतानी है। तो बोट की चाल मतलब कि धारा की दिशा में बतानी है और धारा के विपरीत बतानी है। तो धारा की दिशा में चाल कैसे निकालते हैं, मैंने सबको बताया हुआ है ना, धारा की दिशा में चाल पहले मानो हमको निकालना है यहां पे। तो धारा की दिशा में चाल बराबर देखो फॉर्मूला होता है, निचली दिशा में धारा की निचली दिशा में जा रहा है, तो धारा की निचली दिशा में देखो इसको एक्स बोलते हैं, इसको जो है वाई बोलते हैं। ठीक है, तो होता है देखो आपका यहां पे एक्स क्या होता है देखो, तो ये होता है देखो एक्स प्लस वाई, मैंने यहां पे हमको देखो निचली दिशा में धारा की चाल निकालनी है। ठीक है, धारा की निचली दिशा में, तो ये सवाल देखो सही नहीं है, ये क्वेश्चन देखो सही नहीं, इसमें कुछ कमी है, ये क्वेश्चन देखो आपकी सही नहीं बनी है। ठीक है, याद रखिएगा यह क्वेश्चन जो है देखो आपकी सही नहीं है, ये क्वेश्चन सही नहीं गया। अगर इसको निकालेंगे तो देखो यहाँ पे 9 से क्या करना होता, हमको 2 को भाग देना होता, तो 4.5 आएगा, ये क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, इसमें देखो ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन जो आपका सही नहीं है। अगला सवाल पे चलेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है तो उसको कितने प्रतिशत का घाटा होगा। ठीक है, क्या देखो बोला है कि एक व्यक्ति है जो कि 320 आमों का विक्रय मूल्य पर जो है 400 आम बेचते, जितना उसको 320 आम बेचना चाहिए था उतना में वो 400 आम बेच दिया, तो उसको हानि कितना का हो गया, उसको हानि हो गया देखो 80 आमों का। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कितने प्रतिशत का घाटा हुआ, मतलब कि हानि, तो हानि प्रतिशत बराबर देखो फॉर्मूला होता है हानि, ऊपर में हानि लिखिए, नीचे लिखिए आपका क्या हो जाएगा, तो ऊपर में हानि हो गया मानो आपका यहाँ पे 80 आ गया, अब नीचे हो जाएगा देखो आपका जो है विक्रय मूल्य, कितना आम बेचा है, तो मानो 400 आम बेचा, तो यहाँ पे 400 आ गया, अब गुना में हो गया देखो आपका 100। ठीक है, चलो अब कैसे होगा, 80 से इसको कट करोगे तो ये देखो आपका कट हो जाएगा कितना बार में, तो ये जो है देखो आपकी यहाँ पे कट हो जाएगी कितनी बार में, तो यह देखो माना हमने कि ये मानो हमारी यहाँ पे 0 से 0 कट गई और ये 50 बार, 50 से जो 100 है यह देखो कटेगी 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर एक जीरो साथ में लगा रहेगा तो 20% आएगा। डी वालों का जवाब जो है सही होगा, बहुत बढ़िया। डी वालों का जो जवाब है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। यहाँ देखो जीरो से जीरो कटा था और 8 बचे होता है 40। ठीक है, याद रखिएगा, तो 50 फिर कटा तो आगे 20 आ गया, तो सही जवाब होगा देखो ऑप्शन डी 20%। कितना का उसको घाटा हुआ, तो उसको घाटा हुआ है देखो 20% का। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि अराइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो जो अराइज है यह देखो कितना फैक्टोरियल हुआ, तो यह जो है 5 फैक्टोरियल हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये कितना फैक्टोरियल हो गया, तो ये जो है देखो आपका 5 फैक्टोरियल हो गया, या जो है 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो जब भी देखो 5 फैक्टोरियल हो तो क्या करते हैं, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, सिंपल सा तरीका। अगर 6 होता तो यहाँ पे साथ में 6 को बढ़ा के गुना करते, 7 होता तो 7 को बढ़ा के गुना करते। अब चलिए गुना करके जल्दी से बताइए कि आपका जवाब कितना आ रहा है। अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, जल्दी से जो है देखो सभी लोग यहाँ पे लाइक कर लेंगे, जिन्होंने भी अभी तक भी जो है क्लास को लाइक नहीं किया सभी लोग लाइक कर लेंगे, और जिन्होंने भी देखो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे। ठीक है, चलिए क्या हो गया यहाँ पे देखिए, चलिए बिल्कुल सवाल सही जवाब देंगे, तो ये हो गया देखो 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 दुनी हो गया देखो आपका 120। बी वालों का जवाब यहाँ पे सही है, कितना आएगा, तो 120 आएगा, बी वालों का आंसर जो है देखो सही है। ठीक है, अच्छा पिछला सवाल में याद रखना कि कुछ लोग जो 320 को भी लगा दोगे, ठीक है, पर 320 नहीं होगा क्योंकि 400 होगा, क्योंकि उसको घाटा हुआ है देखो 400 वहां बेचने पर, तो यहाँ पे 400 रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आप लोग 320 रख लेना, यहाँ पे देखो 400 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 400 रखेंगे। ठीक है, सबको को याद रखना है 400 क्यों रखेंगे, 400 रखने का कारण यह है क्योंकि देखो वो 400 वहां बेच रहा है, तो उसको 400 वहां बेचने पर घाटा हुआ, यहाँ पे 400 हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना, कुछ लोग यहाँ पे 320 मत लगा लेना। ठीक है, फिर से देखो एक बार मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मानो ये 80 आम का घाटा हुआ था, वो 400 आम बेचा तभी इसको हानि हुआ, तो यहाँ पे 400 हो गया,
गुना में देखो आपका कितना होगा, तो यह देखो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 0 से 0 कट गया, 8 पचे कितना 40, 5 से कितना बार में 20 बार में, तो सही जवाब आएगा देखो डी 20%, सबको याद रखेंगे 20% होगा। चलो आगे, यहाँ पे 120 हो गया इसका। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन मिला हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। जो परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है इनके गुणनफल को क्या कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी से आंसर आना चाहिए सबका और बताना है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल है इसको क्या कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल है यह देखो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सब कोई। जो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल है यह देखो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, डी वालों का सही है। जितने भी लोगों ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया किसका इंतजार करो, जल्दी सबको लाइक करो, सभी का लाइक बटन जो है प्रेस होना चाहिए। जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को सेशन को शेयर नहीं किया, इतना अच्छा क्लास चल रहा है शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सभी जल्दी सबको शेयर करिए अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी ग्रुप में इस क्लास को पहुंचा दीजिए। इसके साथ साथ जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे, ठीक है। तो डी हो गया आपका सही जवाब। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पे, क्या सवाल देखो आपको मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। अगला सवाल देखो आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे कि एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है, ठीक है, एक वृत्त की परिधि, एक त्रिभुज की परिधि कितना दिया है आपको, तो यह देखो दिया है यहाँ पे 600 मीटर। यदि अनुपात 12:13:15 हो तो सबसे लंबी भुजा क्या होगी, ठीक है, परिधि कितना है, तो परिधि है देखो 600 मीटर, ठीक है। इसका अनुपात कितना है, तो अनुपात मान लीजिए देखो 12x प्लस में हो गया देखो यहाँ पे आपका जो है 13x और फिर हो गया देखो प्लस में 15x, क्योंकि जो अनुपात है उसको जोड़ के लिखते हैं, नीचे हो गया अनुपात। अब यहाँ पे कितना आएगा, चलिए इसको करिए जल्दी से, तो ये हो गया देखिए यहाँ पर कर देते हैं, ये 600 हो गया, ठीक है, 12 और 13 कितना हो जाएगा, तो देखो 25 हो गया, 25 और 15 है यहाँ पे, तो कितना हो गया, यह देखो 40 हो गया, तो ये हो गया देखो 40x। अब हमको सबसे बड़ा बताना है, सबसे बड़ा कौन सा है, 15 है, तो गुना में क्या करेंगे यहाँ पे देखो 15 लगा देंगे, ठीक है। चलिए 0 से देखिए 0 बार में और 4 से जो 60 है यह देखिए 15 बार में, तो कितना आया, यह देखो आ गया 15 गुना 15 करेंगे तो कितना होगा, तो यह देखो 225 होगा। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, कितना लोग डी को किए हैं, डी किसका किसका जवाब दिया गया है, बहुत बढ़िया, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल है, देखिए कि 7 लड़कों की औसत आयु का औसत 20 वर्ष है, यदि पहले 6 लड़कों की औसत आयु 19.12 वर्ष है तो 7वें लड़के की आयु जो है आपको यहां पर बतानी है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, गलती कोई भी नहीं करेंगे। 7 लड़कों की औसत आयु है 20 वर्ष, तो पहले यहां पर क्या करेंगे, पहले देखो लिख लेंगे हम लोग 7 लड़कों की कुल आयु, ठीक है, 7 लड़कों की कुल आयु लिख लेंगे, तो मानिए 7 है, औसत चल रहा था 20 का, तो 7 × 20 किए तो हो गया देखो 140। अब क्या बोला, 6 लड़कों की जो कुल आयु है, अब क्या करेंगे हम लोग देखो, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे 6 लड़कों की कुल आयु, अभी जो है मान हमने निकाल लेना है 6 लड़कों की कुल आयु, तो हो गया 6 × 19.12 था, तो 19 दुनी होता है 38, 38 और 1 होता है देखो आपका 39, तो ये हो गया देखो 39/2, 2 से 6 को कट करोगे देखो 3 बार में कट होगा, 39 तिया कितना हो गया, 9 × 27 के साथ कैरी किया हाथ में हासिल 2, 3 × 9 और 2 कितना हो गया, ये हो गया देखो 11, 117 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 140 में से जो है देखो 117 को घटा दो, आपको जो आपका जवाब मिल जाएगा, तो जब 140 में से 117 को घटाइएगा तो आपका जवाब आएगा देखिए 23। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, क्या होगा सही आंसर, तो ऑप्शन सी होगा 23, बहुत शानदार, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है देखो कि ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं, यदि ए काम शुरू करता है और ये देखो यहाँ पे दोनों एक दिन छोड़, ये देखो थोड़ा सा आगे सवाल नहीं है, आगे पता नहीं चल रहा है कि इसमें लिखा हुआ क्या है, तो ये सवाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे जो है यहाँ पे भेजा ही नहीं गया कि आगे इसमें क्या है, ठीक है, तो ये सवाल हम लोग नहीं कर रहे हैं, अगले सवाल पे चलेंगे। ये देखो आगे क्या सवाल है ये पता ही नहीं चल रहा है आगे क्या दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो बीच में कटी हुई है ये, ठीक है। चलिए 45 नंबर सवाल देखो दिया हुआ है, 5/25 125, क्या होगा सही जवाब, अगला बताना है, अगला श्रृंखला, अगला श्रृंखला जो है आपको यहाँ पे पहचानना है कि जिस प्रकार 5 के बाद 25 हुआ, 25 के बाद 125 हुआ, तो 125 में क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं कर रहा है, 5 से गुना कर रहा है, 5 से गुना कर रहा है, तो 125 में 5 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, तो यह देखिए 625 आएगा। एक किसका किसका जवाब है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत शानदार, बिल्कुल सही किया ए वाले। चलिए अब जो है देखिए आपका यहाँ पे मैथ कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब जो आपकी सेक्शन डी में रीजनिंग रहेगी, रीजनिंग के सवाल है देखो, यह देखो दिया गया है सेक्शन डी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 46 to 50 तर्क शक्ति प्रश्न क्रमांक 46 से 50 तक। देखो चलिए क्या होगा सही जवाब, क्या देखो बोल रहा है कि यदि पुरुष को महिला, महिला को लड़की, लड़की को लड़का, लड़का को कार्यकर्ता के रूप में लिखा जाता है तो महिला का कोड क्या होगा, महिला को क्या लिख रहा है, देखो चलो क्या बोला है यहाँ पे, देखो
तो यहां पर आपको बताना है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे देखो आपकी 6 साल की महिला बोला है, ठीक है, क्या देखो दिया है आपको, तो आपको जो है यहाँ पे देखो इसको पूरा सवाल देखेंगे, यहाँ पे क्या देखो दिया हुआ है, सवाल है देखो कि कोड लिखा गया है, तो फिर 6 साल की महिला का कोड क्या होगा, क्या पूछ रहा है, देखो 6 साल की महिला, अब बताओ 6 साल की महिला कौन लगी, 6 साल की लड़की महिला, महिला तो होगी नहीं, वह क्या होगी, तो वह देखो लड़की ही होगी, ठीक है, अब 6 साल की महिला तो नहीं होती है, फीमेल लिख दिया है, ठीक है, 6 साल की महिला तो नहीं होती है, 6 साल की क्या होती है, बच्ची होती है, वो लड़की होती है, इस प्रकार देखो यहाँ पे लड़की को क्या लिख रहा है, तो देखो लड़की को जो है लड़का लिख रहा है, तो सही जवाब क्या होगा, तो यह देखो हो गया ऑप्शन बी, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सवाल देखो आपको मिला हुआ है, क्या सवाल है देखो आपका, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सवाल देखो आपको ये दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है देखो आपसे किया गया है, सवाल है देखते हैं 1 मिनट में, निम्न में से नंबर जोड़ी समूह चुने गए दोनों अक्षरों से, चुने गए दूसरे से अलग है, यहाँ पर आपको वैसा अक्षर बताना है जो कि चुना हुआ बाकी अक्षरों से अलग है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब जो है सबको यहाँ पर करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर जो है सबको यहाँ पे आना चाहिए, निम्न जोड़ी समूह में से कौन ऐसा है जो कि अलग है, अच्छा यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, ये अनुपात का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है, देखो 6 से 32 कट हो जाएगा, 6 से 36 कट हो जाएगा, 2 से 32 कट हो जाएगा, 5 से 15 कट हो जाएगा, पर 4 से 42 कट नहीं होगा, तो ये अलग है, ठीक है, ये जो है आपका विषम है, ये वाला ऑप्शन जो है अलग है, यह जो है दूसरा है, ठीक है, ये सही नहीं दिया गया है। अगला सवाल है देखो कि एक घड़ी सटीक सुबह 7 बजे दिखाती है, तो घड़ी में दोपहर 1 बजे दिखता है, तो घड़ी का कांटा कितने डिग्री घूमता है, ये सवाल आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, इस सवाल का जो जवाब है देखो आप सबको करना और बताना है कमेंट बॉक्स में, क्लास एंड होने के बाद जो है देखो सबको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अभी मत बताइए, सबको जो है देखो क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल है देखो कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए दिनेश ने कहा उनका एकमात्र भाई, ठीक है, एक व्यक्ति को इशारा कर रहा है और क्या बोल रहा है कि उनका, दिनेश बोल रहा है, ठीक है, याद रखना दिनेश बोल रहा है कि उनका जो एकमात्र भाई है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना किसको बोल रहा है, तो एक व्यक्ति को इशारा कर रहा है, दिनेश जो है देखो क्या है, देखो जो दिनेश है ये एक व्यक्ति को इशारा कर रहा है, मानो कि ये व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, इशारा कर, इस व्यक्ति को क्या बोल रहा है कि उनका एकमात्र भाई, मतलब कि इस व्यक्ति का जो है देखो एकमात्र भाई, ठीक है, इस व्यक्ति का एक ही भाई है, एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता, तो इस व्यक्ति का जो एकमात्र भाई है वो इसकी बेटी का पिता का पिता, बेटी के पिता का पिता, तो बेटी का पिता, ये दिनेश की बेटी का पिता, तो ये तो खुद ही हो गया ना, क्या बोला देखो ये जो है वह मेरी बेटी का पिता, तो वो जो भाई है उसका वह मेरी बेटी, मतलब कि दिनेश की बेटी, तो वो उसी का बाप हो गया, दिनेश की बेटी का पिता, दिनेश की बेटी का पिता यहां तक हो गया, का पिता है मतलब कि दिनेश का पिता, तो दिनेश के पिता कौन हो गए, दादाजी हो गए, ठीक है। अब क्या बोलना है कि व्यक्ति का दिनेश से क्या संबंध, वो जो व्यक्ति है वह दिनेश का कौन लगेगा, उस व्यक्ति का दिनेश से क्या संबंध है, तो जो वह व्यक्ति है वह देखो दिनेश का पिता है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, समझ गए, दिनेश एक व्यक्ति को इशारा कर रहा था और क्या बोल रहा था कि उस व्यक्ति का जो एकमात्र भाई है, उस व्यक्ति का जो एकमात्र भाई है वह देखो, उस व्यक्ति का जो एकमात्र भाई है वह देखो आपका क्या बोला, एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी तो उसकी खुद की बेटी, उसकी खुद की बेटी हो गई, इसका मतलब पिता, तो वो उसी का बाप है उस लड़की का, पिता का पिता है तो उसके खुद के, दिनेश उस लड़की का पिता हो गया, अब दिनेश के पिता कौन लगेंगे, तो उसके जो है पिता लगेंगे, ठीक है, हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया पिता लगेंगे, ध्यान में रखेंगे सब कोई, पिता हो गए वो उसके, अब क्या बोला है देखो कि व्यक्ति का दिनेश से क्या संबंध है, तो उस व्यक्ति का दिनेश से क्या संबंध है, दिनेश देखो उसका क्या है, पिता है, या फिर देखो यहाँ पे अगर अंकल भी करेंगे तो अंकल भी सही लग रहा है, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे तो, कि एकमात्र भाई है जो कि मेरी बेटी के पिता का पिता, उस व्यक्ति का एकमात्र भाई, अच्छा ये चाचा लगेंगे, पापा नहीं लगेंगे उसके, दिनेश का, उस व्यक्ति का दिनेश से क्या संबंध है, तो वो देखो उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है, उनका एकमात्र भाई, इस व्यक्ति का एकमात्र भाई, मतलब ये व्यक्ति उसका कौन हो गया, व्यक्ति तो उसका चाचा हो गया ना, तो सी वालों का जवाब सही होगा, क्योंकि वो उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, उस व्यक्ति का एकमात्र भाई, तो वो तो उसका चाचा लगेगा, ठीक है, उसका एकमात्र भाई मानो यदि उसका पिता हो गया तो वो फिर उसका चाचा हो गया, तो चाचा आएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है देखो, 3, 5, 7, 9, 11 ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपको विषम बताना है, तो देखो यहाँ पे 9 ऐसा है जो कि विषम है, 9 ऐसा है जो कि अलग है, ठीक है, डी वालों का सही होगा, 9 ऐसा है जो कि अलग है, क्यों, क्योंकि यह जो है देखो एक भाज्य संख्या है, ठीक है, जितने भी लोगों ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, सभी लोग शेयर कर देंगे, और जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देंगे।